हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विद गबरू पे। तो यार, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर नाइन्थ, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पहले टॉपिक से कि फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है एक पुश और पुल, जिससे हम चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, या फिर रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं, या फिर चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। फोर्स क्या होता है? या तो पुश या फिर पुल, जिसकी हेल्प से हम या तो रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं, या चलते हुए ऑब्जेक्ट को रुका सकते हैं, या जो ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है उसकी वेलोसिटी को बदल सकते हैं। ठीक है भाई, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अगर लेट सपोज ये रेस्ट पे पड़ा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा है, और तुमसे किसी ने कह दिया कि इस ऑब्जेक्ट को हिला के बताओ, हिला के बताओ मतलब मोशन में ला के बताओ। तो मोशन में लाने के लिए तुम क्या करोगे? इसको या तो पुश करोगे या फिर पुल करोगे। तो इस पुश या पुल को हम क्या कहते हैं? फोर्स। पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। तो इस ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए या तो पुश कर सकते हो या फिर पुल कर सकते हो। तो इस पुश या पुल को क्या कहते हैं हम? फोर्स लगाना। या फिर कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड। लेट सपोज तुम्हारा छोटा भाई है, वो साइकिल चला रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब उसको क्या करना है, उस स्पीड में मजा नहीं आ रहा, तो वो बोलता है भैया मेरी साइकिल की स्पीड को थोड़ी सी बढ़ा दो। तो तुम क्या करोगे? उसको धक्का दोगे। तो इस धक्के देने को कहते हैं फोर्स। इस धक्के की मदद से क्या होगा, इसकी स्पीड में चेंज आ जाएगा। ठीक है, या फिर क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से ही, अब इसे तुम्हें रोकना है। ठीक है, लेट सपोज तुम्हारा भाई जबरदस्ती घर से भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और तुमने उसको देख लिया, और तुम उसके पास बाहुबली की तरह भाग के जाते हो और जोर से साइकिल खींचते हो। तो उस साइकिल खींचने को क्या कहेंगे हम? फोर्स कहेंगे। और उसकी हेल्प से क्या होगा? फोर्स की हेल्प से, फोर्स की हेल्प से साइकिल रुक जाएगी। ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन क्या हो गई? फोर्स इज अ पुश और पुल, फोर्स इज अ पुश और पुल विच ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट इन मोशन विच इज एट रेस्ट और विच चेंजेस द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स क्या है? एक पुश और पुल है, जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन ला सकते हैं अगर वो रेस्ट में है, या फिर उस ऑब्जेक्ट की हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, सो फोर्स इज अ पुश और पुल विच ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट इन मोशन विच इज एट रेस्ट और इट्स चेंजेस द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फोर्स की डेफिनेशन का। और फोर्स की ऐसा यूनिट बता देता हूं, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, और फोर्स क्या है? स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब फोर्स को हम वेक्टर क्वांटिटी क्यों कह रहे हैं? देखो भाई, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, लेट सपोज ये वाला, ठीक है, इसकी स्पीड हटा देता हूं, ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे। अगर किसी ने तुमको कह दिया कि इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव कराओ, अगर किसी ने कह दिया कि इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव कराओ, तो इस डायरेक्शन में अगर मूव कराना है तो क्या तुम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे? अगर तुम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट तो पीछे की डायरेक्शन में मूव करने लग गया, तो भाई ये तो गलत काम हो गया। तो अपन को अगर इस डायरेक्शन में मूव करना है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में अगर हमने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन को नीचे की डायरेक्शन में मूव कराना है तो हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में मूव कराना है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन के हिसाब से इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में मूव होगा।
तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी जरूरी है प्लस मैग्नीट्यूड के साथ में इसका डायरेक्शन भी जरूरी है। अगर दोनों में से एक की भी कमी हुई तो फोर्स एक अलग वे में काम कर जाएगा। ठीक है, तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स के लिए मुझे मैग्नीट्यूड का भी पता होना चाहिए और मुझे डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तुमको कह दिया किसी ने कि भाई 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो 10 न्यूटन का फोर्स कहां लगाना है पता तो होना चाहिए ना, कहीं भी लगा दोगे भाई। लेट सपोज तुम्हें कुर्सी के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाने के लिए बोला था और तुम टेबल पे लगाने लग गए, बोला मुझे डायरेक्शन से क्या मतलब, मैं तो मैग्नीट्यूड लगाऊंगा 10 न्यूटन बस, तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई। मूव तुम्हें कुर्सी करानी थी और हिला तुम टेबल रहे हो, तो जूते तो पड़ेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका ढंग से। हाँ भाई, इफेक्ट ऑफ फोर्स कि अगर मान लो तुमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा दिया, मान लो क्या लगा ही दिया फोर्स, तो भाई उस फोर्स लगाने के कारण उस ऑब्जेक्ट पर क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं। अगर तुमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा दिया तो उस फोर्स के क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो पहला इफेक्ट क्या है, फोर्स कैन कोज मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, थमा हुआ। तो अगर किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट में तुमने फोर्स लगा दिया तो क्या हो सकता है, हो क्या सकता है, वो मोशन में ही आ जाएगा। ठीक है, कि अगर तुमने किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा दिया तो वो क्या हो सकता है, मोशन में आ सकता है, तो ये इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल बात है। सेकंड देखते हैं, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी रफ्तार से मूव कर रहा है और तुमने यहां से उसके ऊपर फोर्स लगा दिया तो वो ऑब्जेक्ट रुक सकता है, फोर्स लगाने के कारण रुक सकता है, तो फोर्स का दूसरा इफेक्ट ये रहा। तीसरा इफेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। लेट सपोज एक गाड़ी आ रही है, इस तरीके से मूव हो रही है ये गाड़ी। ठीक है, ये गाड़ी इस तरीके से मूव हो रही है, यहां से एक ट्रक आया और इसको ऐसे टक्कर मारी तो अब ये गाड़ी ऐसे उछल उछल के जाएगी, तो इस फोर्स ने क्या करा, इस गाड़ी की डायरेक्शन चेंज कर दी। ये बेचारी सीधी रोड पे जा रही थी, इसने इसको एरोप्लेन बना दिया, पड़ उड़ने लगी। ठीक है, अगला इफेक्ट क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है और पीछे से उसको मैं जोरदार धक्का दूं तो उसकी स्पीड जो है बढ़ सकती है, या मैं उसको पीछे से जोर से खींचूं तो उसकी स्पीड घट जाएगी, तो फोर्स का ये इफेक्ट है। अगला इफेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है भाई, अगर तुम इसको ऐसे मारते हो तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे मारते हो तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहीं पे सलमान भाई आ जाए और इसके ऊपर जोरदार मुक्का मारे तो ये बोर्ड ऐसे बेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो फोर्स लगने के कारण इसकी शेप और साइज चेंज हो गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। हाँ भाई, अगला टॉपिक है बैलेंस्ड फोर्स, कि बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। भाई बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है, लेट सपोज कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है मेरे पास यहां पर, अब क्या है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं और वो फोर्सेस इस तरीके से लग रहे हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो फोर्सेस लगने के बाद भी रेस्ट पर रहे, या फिर अगर ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो फोर्सेस लगने के बाद भी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे, मतलब कि फोर्स लगने का कोई इफेक्ट ही ना है, हमारे ऊपर फोर्स लग भी गया और हमारे ऊपर कुछ चेंजेस भी नहीं है। जैसे एग्जांपल, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा है, मैंने उसके ऊपर यहां से फोर्स लगाया जितना फोर्स यहां से, लेट सपोज 10 न्यूटन लगाया, यहां भी 10 न्यूटन, यहां 5 न्यूटन लगाया, यहां भी 5 न्यूटन,
तो ये जो फोर्स लग रहा है हम इसको यहां से धक्का दे रहे हैं और दूसरा वाला यहां से, एक तीसरा बंदा यहां से दे रहा है, चौथा बंदा यहां से दे रहा है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? भाई साहब बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे था और रेस्ट पे ही रहेगा। तो क्या कहेंगे इन सारे फोर्सेस को? हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। इन सारे फोर्सेस को क्या कहूंगा मैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर मैं दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लगाऊं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर मैं दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लगाऊं और वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहे और मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे, तो उन फोर्सेस को क्या कहूंगा मैं? बैलेंस्ड फोर्सेस कहूंगा। इसी को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन ऑब्जेक्ट, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, such that they will not bring change in state of rest, कि वो ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज नहीं ला रहे। मतलब ऑब्जेक्ट अगर खाली बैठा हुआ है, सुनसान, अरिजीत सिंह के गाने चल रहा है तो फोर्स लगने के बाद भी सुनसान बैठा रहे, आराम से गाने सुनता रहे, या फिर अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहे, उसमें कुछ चेंज ना आए, तो हम क्या कहेंगे कि फोर्सेस जो लग रहे हैं वो क्या है? हमारे बैलेंस्ड फोर्सेस है। बैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड नाम से ही पता चल रहा है कि एकदम बैलेंस्ड तरीके से फोर्स लगाया है, कुछ भी चेंज नहीं लाएगा। अगर पड़ा हुआ है शांति से ऑब्जेक्ट तो पड़ा रहेगा, अगर शांति से मूव कर रहा है तो शांति से मूव करता रहेगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बैलेंस्ड फोर्स का। हाँ भाई, हमने बैलेंस्ड फोर्स पढ़ लिया, अब बैलेंस्ड फोर्स के इफेक्ट क्या क्या आ सकते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। क्या क्या इफेक्ट आएंगे बैलेंस्ड फोर्स के? पहला इफेक्ट, इफ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट व्हिच इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर पड़ा है और हमने उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस लगा दिए तो वो बाद में भी रेस्ट पर रहेगा, ये इसका पहला इफेक्ट है। अगला इफेक्ट क्या है कि इफ बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट Which is performing uniform motion, कि अगर कोई object है, ठीक है, अगर कोई object है उसके ऊपर मैं balanced forces लगा रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई object है उसके ऊपर मैं balanced force लगा रहा हूँ और अगर वो uniform motion कर रहा था पहले से तो balanced force लगाने के बाद भी वो uniform motion ही करेगा, ये इसका second effect है। तो इन effect को note down कर लो और screenshot ले लो।